प्रोग्राम कोई भी ट्रस्ट है उसको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हम जितना भी मुंबई पुलिस के लिए करें उतना कम है. जितना ये हम लोगों के लिए करते हैं हम कुछ भी नहीं कर पाते इनके लिए रिटर्न में. हम हर त्यौहार अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, हर त्यौहार छोड़ के हमारे लिए हमारी रक्षा के लिए रहते हैं. हर त्यौहार पे हम हमारे बच्चों के साथ उनको खुश करते हैं, उनके लिए टाइम देते हैं. पर ये महिला होकर घर भी संभाल रही हैं, अपनी ड्यूटी भी देश के प्रति मुंबई के प्रति देख रही हैं, तो इनके साथ प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा मुझे. स्पेशली आज जब मैंने सारी महिलाओं के लिए कैंप किया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज इनको भी ज़रूरत है हेल्थ कैंप की. ये सुरक्षित रहेंगी, ये अगर हेल्दी रहेंगी तो हमारा मुंबई हेल्दी रहेगा. हाई जय हिंद. मैसेल्फ एसीपी सुजाता पाटिल, आई एम हैंडलिंग दिस हेडक्वार्टर वरली. वरली में मैम ने अभी जो भवानी ट्रस्ट की तरफ से जो हमारा प्रोग्राम रखा है, जो 14 नवंबर बाल दिन है, चिल्ड्रंस डे है, और उस मौके पे जो बाल दिन और उनकी मम्मी मतलब माताओं के लिए जो कैंसर टीम की थ्रू कैंसर मतलब जो चेस्ट कैंसर जो भी है बॉडी चेकअप रहता है, तो इट इज़ वेरी ग्रेट. क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हम लोग सुबह निकलते हैं, शाम को जाते हैं, कभी दुख रहा है कुछ रहा है तो हम लोग ऐसे अंक निकल के पूरा ऐसा ही सो जाता है, और बाद में हमको पता चलता है कि एक स्टेज आगे बढ़ गई है, लास्ट स्टेज पे आया है, और वो टाइम हमारा निकल गया होता है. जब अभी मैम हमारी जो यंगस्टर्स है पूरी जो न्यू रिक्रूट्स है लेडीज मेरे पास है उनका भी चेकअप करेंगे, तो कम से कम एक साल उनको चेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको डिटेक्ट हो जाएगा तो तुरंत वो खत्म भी हो सकता है ना ये बीमारी. तो दिस इज एक लाइफ दे रही है मैम, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस ट्रस्ट एंड मैडम एंड उनकी टीम, दिस कलरफुल टीम. मुझे तो लगा बॉलीवुड में अप्रिशिएबल एंड बहुत एक गॉड गिफ्ट है, और मैडम एक जिंदगी किसी को दे रही है जो चेकअप हो जाएगा उसके बाद आगे. मैं तो अभी भगवान को प्रे करती हूँ कि किसी को डिटेक्ट ना हो, सब नॉर्मल निकले. और ये ट्रस्ट को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ. ये चिल्ड्रंस डे पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जो जन्मदिन है उनको भी मैं अभिवादन करती हूँ, ये सबको मैं प्रणाम करती हूँ, ट्रस्ट को प्रणाम करती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर मीडिया. बच्चे हमारे यहाँ पर महिलाओं के साथ कैंसर के बच्चे भी आए, आज हमने बच्चों के लिए आज चिल्ड्रंस डे पे पूरा फनफेयर लगाया है, जिसमें कैंसर पेशेंट बच्चे हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं. तो ये लगाने का हमारा एक मकसद है कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है कि हम सब एक साथ मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं. मैं ये कहना चाहती हूँ अंकुरण गवर्नमेंट निदर्शना गवानी और इन सब उनकी तरफ से मैं बहुत बहुत खुशी की बात है जो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लोगों के लिए काम कर रहा है, खासकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए. ये मैडम ने सही बोला कि एक साल तक उनको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, उनका चेकअप हो जाए. एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि हम सबको ऐसे ही खड़ा रहना चाहिए. और जो बच्चों के लिए जो किया है टुडेज चिल्ड्रंस डे, बच्चों की तरफ से भी मैं सबको नरेश शाह को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ कि ये चीज़ के लिए ये आगे आकर खड़ी हुई है. थैंक यू सो मच. हाय, मैं अनुजा जवेरी हूँ और ये मैं बताना चाहूँगी, मैं ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी के बाद ये बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम किया है बच्चों को लेके, कि हमारे पुलिस हो या कैंसर पेशेंट हो, यू नो, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आए. ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, वो फेस है अंकिराम ट्रस्ट की, ये फेस है, तो हमें सभी को इनको सपोर्ट करना चाहिए एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव इनिशिएटिव है. मैं निदर्शना गोवानी मैम का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस के 200 से ज़्यादा महिला कर्मचारी और हमारी घर की कुटुंबी है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें एक तो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट बाल दिन के अवसर पर, और उसके साथ साथ उनकी माएँ, अगर हमारे घर की महिलाएं अगर
हेल्दी है, हैप्पी है, तो डेफिनेटली हम भी बाहर अच्छा काम करेंगे और हमारी महिला कर्मचारी अगर सुरक्षित है तो वो अच्छा सर्विस दे सकेगी। इसलिए जनता ने सोचा है, दिस इज लाइक वेरी पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द सोसाइटी कि हमारे लिए भी सोसाइटी सोचती है और विचार करती है, एक अच्छा फीलिंग उसमें आता है। तो आई एम ग्रेटफुल टू अंकित भाई गवानी ट्रस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस पॉजिटिव इनिशिएटिव फॉर द हेल्थ चेकअप ऑफ आर लेडी पर्सनल एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द पुलिस पर्सनल। ऑफकोर्स हेल्थ पे असर पड़ता है, हमारी महिला कर्मचारी जब रास्ते पे काम करती है तो मेनी टाइम्स वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है तो पानी भी कम पीती है, उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसके हेल्थ पे बुरे असर पड़ते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के यानी वी आर डीलिंग विद दैट। बट बेसिकली इस टाइप के इनिशिएटिव से एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर आए टाइम निकाल के। हाँ बोलिए ना, आप कुछ बोल सकते हैं। हे पहा या ठिकाणी